370 हटने के बाद लद्दाख को अब नई पहचान मिली है। वह मिली है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में जो झांकियां निकलती हैं राजपथ पर, उसमें लद्दाख को अपना एक उचित स्थान दिया गया इस बार। तो उस झांकियों को बनाने के पीछे जिनका हाथ रहा, पूछते हैं कि कैसा अनुभव रहा इस बार उनको। जी ये हमारे लिए ऑनर है, फ़ख्र है कि मैं ये डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहली झांकी है 370 रखने के बाद लद्दाख के लिए। और इसकी प्रोसेस यूँ होती है कि शुरुआत हमें स्टेट एक बहुत सारे डिज़ाइनर्स को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करने के बाद एक कई सब्जेक्ट्स पे काम होता है, और फिर फाइनली इसका सिलेक्शन जो होता है वो मिनिस्टर डिफेंस में ही होता है, और उनकी एक सिलेक्शन कमिटी होती है जिसमें बड़े नामी आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, डांसर, आर्किटेक्ट और भी मिनिस्टर ऑफ कल्चर से मेंबर्स, वो सब मिला के एक कमिटी बनती है। फिर वो सजेस्ट करते हैं क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस बार जो उन्होंने थीम लिया है उसमें जो ठिक्से मॉनेस्ट्री, उनको क्योंकि ये पहली झांकी है पूरी प्रोसेशन में, तो सामने एक कलरफुल झांकी होगी और बहुत खूबसूरत होगी, बिकॉज इट इज़ टू बी सीन एज अ होलिस्टिकली पूरी जो प्रोसेस प्रोसेशन है उसमें कहाँ क्या फिट होता है, वो सिलेक्शन कमिटी ऐसे ही। तो फिर ये उसमें फिर स्टेट की कोई इंटरफ्रेंस नहीं होती है, ना ही मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की होती है, ये फिर जो सिलेक्शन कमेटी अपेक्स बॉडी जो बनी होती है उनका ही एक सिलेक्शन होता है। मुझे अच्छा लगा कि इस टाइम, बिकॉज मैं पहले भी बहुत सालों से मैं जम्मू कश्मीर का डेवलप बना रहा हूँ, जहाँ मैंने लद्दाख कई बार दिखाया है, लेकिन वो 1/3 पार्ट था, ये पहली बार हम पूरा दिखा रहे हैं। पहली बार नहीं मैं कहूँ, ये दूसरी बार, बिकॉज एक बार ही हमने पूरा कारगिल की झांकी दिखाई थी 2001 और 2 में, जब करगिल वार के बाद, मुझे डेट पूरा याद नहीं है, पूरी एक झांकी करगिल। मैं चाहता हूँ आगे भी और भी कई सब्जेक्ट्स में जो लद्दाख से वापस हैं, जैसे ट्राइब्स हैं, उनका म्यूज़िक है, कल्चर है, डांस है, आर्किटेक्चर है, और इस टाइम हम लद्दाख पे ज़्यादा जोर देंगे, कार्बन फ्री लद्दाख, जो ग्रीन लद्दाख, उस लिहाजे से हम यहाँ सोलर एनर्जी भी दिखा रहे हैं और एप्रिकॉट फार्मिंग दिखा रहे हैं, कुछ चीज़ें वो, बिकॉज वो शुरुआत है, वो भी एक उन चीज़ों को भी एक मद्देनज़र रख के हमने सोचा कि लद्दाख की जो फ्यूचर विजन है वो ज़्यादा दर्शाया जाए, तो यही लद्दाख का एक विजन। इस बार इसमें जो कलर का इस्तेमाल किया गया है, किस तरह का उसमें यूज़ किया गया कलर? कलर जो जो ये मॉनेस्ट्री का जो ठिक्से मॉनेस्ट्री और हमें गेट ऑफ लद्दाख दिखाया है वो इसमें दर्शाया, जैसे ट्रेडिशनली जैसे होता है वही उस ट्रेडिशन को मद्देनज़र रख के हमने उसको जैसे मोर और लेस रेप्लिका दी हुई। अब जिस तरह इसको बनाया, इसमें ये एक ग्रुप एक्टिविटी भी है, बिकॉज उसमें कई सारे आर्टिस्ट जो लद्दाख से आए हैं वो उस पर उसके साथ चलेंगे। इसमें याक डांस भी है जो ट्रेडिशन है नोमैड्स का, तो वो भी दर्शाया जाएगा। और कुल मिला के एक ये कलरफुल झांकी और सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन फ्रॉम द लद्दाखीज, आई थिंक एवरी लद्दाखी विल बी प्राउड टू सी इट। एंड सिंस हमें ये पार्टिसिपेशन मिली है, ये ज़रूरी नहीं कि हर साल हर स्टेट सिलेक्ट होगा, जैसे लद्दाख की कोशिश लास्ट ईयर भी रही है, लेकिन उस टाइम वो सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भी कंपटीशन जो है वो हर स्टेट से होते हैं और हर मिनिस्ट्री से होती है, यहाँ कहीं जाके मिनिस्ट्री से भी आती हैं, वो सारे स्टेट से आते हैं, लेकिन हर बार हर एक को मौका नहीं मिलता, तो ये इसलिए हम खुश हैं कि, और आई थिंक हर एक लद्दाखी और हर इंडियन खुश हैं कि इस टाइम लद्दाख की जाति भी वन ऑफ द ऑल विल बी हियर टू सेलिब्रेट। पिछले सालों के मुकाबले इस बार क्या अलग इसमें है? देखिए पिछले सालों के मुकाबले में ठीक, मैं ये जो बोल रहा हूँ कि इस टाइम लद्दाख पूरा का पूरा है, तो इसलिए एक जो इसकी गुंजाइश बढ़ गई, और इसलिए हम
उम्मीद करते हैं कि अगले जांक्यू में भी हम अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग एरियाज, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो भी हाईलाइट करने के लायक है वो उसको अपने डिज़ाइन के माध्यम से टैबलो के थ्रू हम उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। वही है कि कोशिश वही रही है क्योंकि पूरी जाकी लद्दाख की है तो इसलिए कहीं जो इसका पहले लद्दाख 1/3 होता था तो हम तीसरे हिस्से में लद्दाख जम्मू होता था, कश्मीर होता था या कहीं पर कश्मीरी होता था सारा, या सिर्फ मैं ये जैसे कहा कि करगिल दिखाया है एक बार हमने पूरा का पूरा। इसका नाउ ऑनवर्ड्स सिर्फ लद्दाख को एक ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि हर टाइप के चीज़ें आ जाएंगी, उनका जो ग्रोथ है, उनका जो विस्तार है, जिस भी उनकी फार्मिंग, उनका जो टूरिज्म है, जो कल्चर है, वो ज़्यादा इससे बहुत फर्क पड़ेगा इसको टू बी पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन। मोदी जी का सपना था लद्दाख को एक अपनी नई पहचान मिले, 370 हटने के बाद में ये पहचान उसको मिली है और आपने वो पहचान देश के सामने प्रस्तुत की है, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारा लास्ट डे तैयारी है, आज शाम को कल परेड है, तो हमें कभी इसी में व्यस्त हैं कि जितना हम इसको 100% टाइम दे और बेस्ट बनाए, क्योंकि ये भी कॉम्पिटिटिव है, हम चाहते हैं कि अच्छी तरह हुए और लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि हाउ डू वी फील अबाउट लद्दाख। दोरजे जी, गणतंत्र दिवस पर इस साल दिल्ली में जो राजपथ है, लद्दाख की झांकी निकाली जा रही है, 370 हटने के बाद में ये पहली बार है कि पहले जम्मू एंड कश्मीर जहाँ लद्दाख का नाम नहीं हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर इनका नाम नहीं है, लद्दाख का नाम है। आप कैसा फील करते हैं एज ए लद्दाखी? इट्स ए वेरी प्राउड मोमेंट फॉर पूरे लद्दाख के लिए है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहते हैं। लद्दाख हमेशा से अपने एक पहचान ढूंढ रहे थे, अब इस बार 370 को हटाने के बाद, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, अब इस गणतंत्र दिवस पे जो हमारे झांकी को फुल फ्लेज पूरे कल्चर को यहाँ पे प्रेजेंट करने जा रहा है, तो मैं यहाँ के लोगों को और पूरे लद्दाख और पूरे देश को मुबारक देना चाहूँगा कि इस बार जो नया पैदा हुआ यूटी है उसका झलक सब लोगों को देखने को मिल रहा है। पूरा लद्दाख के लोग बहुत ही प्राउड फील हो रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये हमारा लद्दाख जो है पहली दफ़ा वर्ल्ड वाइड में, पहली दफ़ा हम इंडिया में वहाँ पे लद्दाख रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि मोदी जी ने हमें यूटी दिया था, तो यूटी होने के बाद ये सारा मुमकिन हुआ। तो इस बार सब हम लद्दाखियों के लिए एक फ़ख्र की बात है, क्योंकि हमारा खुद का ही झांकी वहाँ सेलेक्ट हो गया, लद्दाख के नाम पर प्रेजेंट होगा। तो उसमें मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात यह भी था, क्योंकि मुझे एक म्यूज़िक कंपोज़र के रूप में वहाँ पे मौका मिला, तो वहाँ पे मेरा म्यूज़िक सेलेक्ट हो गया था और आई एम सो हैप्पी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है 70 साल में, तो लद्दाख खुद अपने नाम पे एक झांकी निकल रहा है, टैबलेट निकल रहा है वहाँ पे, तो ये सेलेक्ट भी हुआ था और सेलेक्शन कमिटी रखा हुआ था, तो उसमें जाना, वहाँ पे जाना बहुत कठिन भी है क्योंकि कंपटीशन बहुत है, हर एक स्टेट का कंपटीशन है, तो कंपटीशन टफ था। तो 29 कंपटीशन स्टेट में से 16 सेलेक्ट हुआ, क्योंकि इस बार कोविड-19 के वजह से, तो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस वगैरह ये सारा नज़र रखते हुए, तो वहाँ पे कमेटी बैठा हुआ था, तो उन्होंने बहुत सारा सोच समझ कर सेलेक्ट करते हैं, तो भी सिलेक्शन भी राउंड 6-7 राउंड होता है, तो उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। तो उसमें हम तब बहुत खुश हुआ था जब हमारा लद्दाख का ये झांकी जो है सेलेक्ट हुआ था, और 16 स्टेट के साथ हमारा भी सेलेक्ट हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा।